हेलो चिल्ड्रन, आज हम मैथ की नोटबुक में वर्क करेंगे 1 to 15 तक काउंटिंग। ओके, ये देखो आपको कैसे लिखना है 1 to 15। सबसे पहले आप डेट मेंशन कर लीजिए, CW वर्क, फिर उसके बाद में वर्क डाल दीजिए 1 to 15 काउंटिंग। ओके, फिर हम लिखेंगे, देखिए मैथ्स की नोटबुक में यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हम लिखेंगे T, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम ओ, TO 2 डालना है आपको। फिर से हम देखिए 2 लाइन छोड़ के फिर से TO, इस तरह से आपको मेंशन करना है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। हमें काउंटिंग यहाँ से ओ के नीचे से स्टार्ट करनी है। ओके, यहाँ से स्टैंडिंग लाइन 1, ये देखिए हाफ कर्व, स्लिपिंग लाइन 2, फर्स्ट कर्व, फिर सेकंड कर्व 3, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन 4, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व 5, इस तरह से आपको लिखना है बोल बोल के, स्लैंडिंग लाइन, हाफ कर्व 6, स्लिपिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन 7, 8 के लिए देखिए फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व, बॉटम लाइन को टच करते हुए क्रॉस करके यहाँ ऊपर आएंगे 8। ओके, 9 के लिए स्टैंडिंग लाइन, ऊपर से हम करेंगे हाफ कर्व 9। अब 1 0 10 के लिए देखिए, 1 हम लिखेंगे T के नीचे, 0 हम लिखेंगे O के नीचे। ओके, 9 के नीचे हम लिखेंगे 0, इस तरह से 1 0 10। ठीक है, इस तरह से आपको 1 to 10 काउंटिंग लिखनी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10। नेक्स्ट हम करेंगे 1 1 11 से, ये देखिए स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये बनेगा 1 1 11, फिर से स्टैंडिंग लाइन 1, कर हाफ कर, स्लिपिंग लाइन 2, 1 to 12, फिर से 13 के लिए स्टैंडिंग लाइन 1, 3 के लिए फर्स्ट कर, फिर सेकंड कर 1 3 13, 14 के लिए स्टैंडिंग लाइन 1, 4 के लिए स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन 1 4 14, इस तरह से बोल बोल के लिखना है। एंड 15 के लिए आपको लिखना है स्टैंडिंग लाइन 1, 15 के लिए स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर 1 5 15, इस तरह से आपको 1 to 15 तक काउंटिंग लिखनी है। ओके, ऐसे ही आपको सेम SW करना है। ओके, थैंक यू।